बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 TV में खुश आमदीद। A1 TV न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अपोजिशन की ईवान में धरने की धमकी, वजीर आजम ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास बनिकाला में दोपहर को होगा। हुक्मरान जमात की सीनियर क्यादत इजलास में शिरकत करेगी। अपोजिशन की धमकियां और तहरीकी अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। अदम एतमाद का इजलास ना बुलाया तो देखेंगे OIC इजलास कैसे होता है। अपोजिशन ने स्पीकर को असेंबली इजलास बुलाने के लिए पीर तक की मोहलत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, स्पीकर ने हाउस बिजनेस ना चलाया तो असेंबली में धरना होगा। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने हालात खुद खराब किए, इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। फजल रहमान बोले, हम जंग जीत चुके हैं, नाजायज हुक्मरान इंजाम को पहुँचेंगे। अपोजिशन की धमकी के बाद वजीर आजम, स्पीकर और वजरा की मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास OIC मीटिंग के बाद 25 मार्च को बुलाने का इम्कान। रिक्वजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर असम्बली इजलास बुलाना लाजमी। स्पीकर ने हतमी फैसले के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरों का आज इजलास बुला लिया। कनाडा में नस्ल परस्ती का एक और वाकया। मिसिसागा शहर की मस्जिद में एक शख्स कुल्हाड़ी लेकर घुस गया। मुलजम ने नमाजियों को मिर्चों का स्प्रे भी किया। नमाजियों ने मुलजम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।